करोगे, आप इसको मुसलमान कहोगे, आप इसको खालिस्तानी कहोगे, आप इसको धर्म विद्रोही कहोगे, आप इसको टेररिस्ट कहोगे, क्या कहोगे? यहां सरकार आके फंस जा रही है, वरना सत्यता ये यहां बैठने नहीं देते। ये तुम दमदार लोग हो भाई, ओलंपिक में बेटियां मेडल लेके आई, सारे बेटे कमजोर पड़ गए, बढ़िया नहीं पड़े। अब हम खुश हुए, हमने तालियां बजाई, हम सेल्फी खिंचवाने के लिए धोए कि बेटियां देश पे गौरव करें। देखो यहां हरियाणा के ज्यादा लोग मुझे दिख रहे हैं, खाप के सम्मानित लोग भी हैं, हमारे नेतागण भी हैं। एक दिन वही हरियाणा था जहां बेटियों को इतने अवसर नहीं थे, आज का हरियाणा है जहां बेटियों के नाम से हरियाणा की पहचान होती है। मैंने तो देखा, ओलंपिक में बेटियां मेडल लेके आई, सारे बेटे कमजोर पड़ गए, बढ़िया नहीं पड़े। तब हम खुश हुए, हमने तालियां बजाई, हम सेल्फी खिंचवाने के लिए घूम रहे थे। और मुझे तो इस देश में इतने मजबूत प्रधानमंत्री है, मैंने देखा जो टीम हार भी गई उनको उन्होंने फोन किया कि भाई आप घबराना मत। लेकिन आज पता नहीं पिछले कुछ समय में परिस्थिति बदली, आज वो बेटियां यहीं बैठी हैं उनसे कुछ गज की दूरी पे, आज आवाज नहीं जा रही, आज आवाज नहीं जा रही। देखो पिछले कुछ समय में बहुत कुछ बदला, इस बात पे गहराई से सोच लो आप लोग, ये आज की लड़ाई नहीं। जब भी कोई लड़ने के लिए आए, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, कोई भी हो, चाहे किसी जाति का और धर्म का, अपने अधिकारों के लिए सरकार ने एजेंडा सेट कर दिया सभी। अब बजरंग के साथ एक अच्छी बात यह है, आप ऐसे फोन करो या ये आपको फोन करे तो ये कहेगा सीधा एकदम सुस्ते कहेगा राम राम। अब इसको कैसे आप एजेंडे में सेट करोगे? आप इसको मुसलमान कहोगे, आप इसको खालिस्तानी कहोगे, आप इसको धर्म विद्रोही कहोगे, आप इसको टेररिस्ट कहोगे, क्या कहोगे? यहां सरकार आके फंस जा रही है, वरना सत्यता ये यहां बैठने नहीं देते। ये तुम दमदार लोग हो भाई, अगर ये मुकदमा किसी गरीब आदमी पे हो गया होता ना, उसके परिवार की खाल खींच के भूख भर देती पुलिस। हमने जिंदगी देखी है, यहां 20 साल हो गए मैंने, कि बेटियां देश पे गौरव करें। देखो यहां हरियाणा के ज्यादा लोग मुझे दिख रहे हैं, खाप के सम्मानित लोग भी हैं, हमारे नेतागण भी हैं। एक दिन वही हरियाणा था जहां बेटियों को इतने अवसर नहीं थे, आज का हरियाणा है जहां बेटियों के नाम से हरियाणा की पहचान होती है। मैंने तो देखा, ओलंपिक में बेटियां मेडल लेके आई, सारे बेटे कमजोर पड़ गए, बढ़िया नहीं पड़े। तब हम खुश हुए, हमने तालियां बजाई, हम सेल्फी खिंचवाने के लिए घूम रहे थे। और मुझे तो इस देश में इतने मजबूत प्रधानमंत्री है, मैंने देखा जो टीम हार भी गई उनको उन्होंने फोन किया कि भाई आप घबराना मत। लेकिन आज पता नहीं पिछले कुछ समय में परिस्थिति बदली, आज वो बेटियां यहीं बैठी हैं उनसे कुछ गज की दूरी पे, आज आवाज नहीं जा रही है, आज आवाज नहीं जा रही है। देखो पिछले कुछ समय में बहुत कुछ बदला, इस बात पे गहराई से सोच लो आप लोग, ये आज की लड़ाई नहीं। जब भी कोई लड़ने के लिए आए, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, कोई भी हो, चाहे किसी जाति का और धर्म का, अपने अधिकारों के लिए सरकार ने एजेंडा सेट कर दिया सभी। अब बजरंग के साथ एक अच्छी बात यह है, आप ऐसे फोन करो या ये आपको फोन करे तो ये कहेगा सीधा एकदम सुस्ते कहेगा राम राम। अब इसको कैसे आप एजेंडे में सेट करोगे? आप इसको मुसलमान कहोगे, आप इसको खालिस्तानी कहोगे, आप इसको धर्म विद्रोही कहोगे, आप इसको टेररिस्ट कहोगे, क्या कहोगे? यहां सरकार आके फंस जा रही है, वरना सत्यता ये यहां बैठने नहीं देते। ये तुम दमदार लोग हो भाई, अगर ये मुकदमा किसी गरीब आदमी पे हो गया होता ना, उसके परिवार की खाल खींच के भूख भर देती पुलिस। हमने जिंदगी देखी है, यहाँ 20 साल हो गए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।